संतों में साई बाबा सर्वोच्च हैं। वे सिद्ध पुरुष, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, दयालु और चमत्कारिक हैं। जिन्होंने साई को भजा उसके संकट उसी तरह दूर हो गए, जिन्होंने हनुमान को भजा और तुरंत ही आराम पाया। आप जानिए साई बाबा और हनुमान जी के बीच आखिरकार क्या है कनेक्शन। शिरडी में साई समाधि परिसर में एक हनुमान मंदिर भी है। शिरडी के साई मंदिर में प्रांगण में सभी लोगों ने हनुमान जी की दक्षिणमुखी प्रतिमा और उनके मंदिर को जरूर देखा होगा। साई भी नित्य हनुमान जी के दर्शन करते थे, इसलिए देश के हर साई मंदिर के पास या प्रांगण में हनुमान जी की प्रतिमा होना बेहद जरूरी है। साई के जन्म स्थान पाथरी एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साई की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहाँ पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, गट्टी, देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। इन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति हनुमान जी की भी है। यह मूर्ति बहुत पुरानी है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सदगुरु साई दर्शन एक बैरागी का स्मरण गाथा अनुसार साई का परिवार हनुमान भक्त था। उनके माता पिता के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और 5वे बलवंत भुसारी थे। साई बाबा गंगा भाव और देवकी के 3रे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम था हरिबाबू भुसारी। साई बाबा के इस जन्म स्थान में 1 किलोमीटर दूर साई बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। मारुति अर्थात हनुमान जी का मंदिर। वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास एक कुआं है, जहां साई बाबा स्नान कर मारुति जी का पूजन करते थे। किसी कारणवश गुरुकुल छोड़ने के बाद साई बाबा हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहां वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते थे। एक जीवनी के अनुसार श्री शिरडी साई बाबा का जन्म भुसारी परिवार में हुआ था, जिनके पारिवारिक देवता कुम्हार बावरी श्री हनुमान जी थे, जो पाथरी बाहरी इलाके में थे। साई बाबा प्रभु श्री राम हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण सुना और 1918 में देह भी त्याग दिया। भक्तों, अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप असल आस्था को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।